हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवन लर्निंग। तो जिन भी स्टूडेंट्स का रीजनल सेंटर है दिल्ली टू और जिनको अपने दिसंबर 2022 सेशन के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज दिल्ली टू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी जो असाइनमेंट्स हैं दिसंबर 2022 सेशन के, ये अपडेट यहाँ पर कर दिए गए हैं कि आपको अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो कहाँ पर सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस दे रखी हैं, जिनको आपको पहले ध्यान से एक बार पढ़ना होगा। इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही आप जो अपने असाइनमेंट्स उनको सबमिट करें। एंड देन सेकेंडली, आपके जो इंस्ट्रक्शंस एंड लिंक्स दे रखे हैं सबमिशन के, कि आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो कहाँ सबमिट करने हैं, तो वो भी आप इस पीडीएफ में यहाँ पर देख पाएंगे। जो इन दोनों के जो लिंक्स हैं मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दिए, तो वहाँ से जाकर आप इन्हें ओपन करके इन्हें देख सकते हैं कि इनमें क्या क्या गाइडलाइंस लिखी हुई हैं और कहाँ पर आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। सबसे पहले आप गाइडलाइंस में देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपकी जो लास्ट डेट है वह है 30 सितंबर 2022। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी जो 30 सितंबर की आखिरी डेट बताई जा रही है, इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो अगर 30 सितंबर से पहले पहले किसी भी वजह से आपके असाइनमेंट्स नहीं बन पाते हैं, नहीं सबमिट हो पाते हैं, तो ऐसे में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। 30 सितंबर के बाद भी अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर सकेंगे, लेकिन जितना हो सके आप जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर लीजिए एंड उनसे सबमिट कर दीजिए। साथ ही मुझे लिखा है कि जो आपके असाइनमेंट्स होने चाहिए वो आपके हैंड रिटन असाइनमेंट होने चाहिए, जिसको आप अच्छे से स्कैन कर लें। साथ ही आपके जो फर्स्ट पेज होगा उस पर आपका नेम होना चाहिए, आपको रोल नंबर होना चाहिए, आपका स्टडी सेंटर कोड, आपका कोर्स कोड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह होनी चाहिए। देन उसके बाद थर्ड पेज पर यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो होने ज़रूरी हैं। इनकी हर एक पेज पर आपके जो भी इग्नू का जो स्टूडेंट हैं उसके हर ऊपर की साइड या नीचे की साइड कहीं एक जगह पे सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, और अगर हो सके तो आप वहाँ पर अपना जो नाम है आप वो भी लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको सेपरेटली वन बाय वन अपने जो कि एक पीडीएफ बनाने हैं एक पर्टिकुलर कोर्स सब्जेक्ट्स के। देन इसके बाद में बताया गया है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके किसी एक, जैसे कि मान लीजिए MCS 12 आपका एक कोई भी कोर्स कोड है, अगर MCS 12 में आपके 5 क्वेश्चन हैं तो आप अलग अलग 5 के PDF बनाएंगे, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे कि आपका पूरा कोई एक कोर्स कोड है MCS 12, BCS 12, MCS 15, MCS 14, FEG 2, तो जो भी एक पर्टिकुलर कोर्स कोड है तो पर्टिकुलर कोर्स कोड का आपका एक ही पूरा PDF बनेगा। तो ऐसे करके आपको अपने PDF बनाने हैं, देन वो PDF आपको अपने तमीज से बिल्कुल अच्छे से अपने सेंड करने। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट्स ईमेल्स के थ्रू सेंड करने हैं, जिनको यहाँ पर गाइडलाइंस बताया गया है कि आपको ईमेल के थ्रू करने हैं, जैसे कि मान लीजिए जिनका सेंटर है ये 0725P, तो आपको अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो जीमेल के थ्रू सेंड करने हैं। तो ऐसे में यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 6 नंबर पॉइंट पर कि जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट जीमेल के थ्रू सेंड करने हैं तो आप वन बाय वन अपने PDF को आप सेंड करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिंगल ईमेल में आपने सारे के सारे अपने PDF अटैच कर दिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक PDF को आपको अलग अलग ईमेल से बार बार आपको भेजना है। इसी के साथ किस प्रकार आपको अपनी फाइल का नेम आपको रखना है मैं यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले आपको रोल नंबर होना चाहिए, देन उसको अपना जिस भी कोर्स कोड का आपने वो अपना असाइनमेंट बनाया PDF बनाया है देन उसका आपका नाम आना चाहिए। और साफ साफ बोला कि अगर आपने एक जगह सबमिट कर दिया तो दूसरी जगह आपको सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि अगर आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं तो आपको ऑफलाइन भी करना होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने एक जगह सबमिट कर दिए हैं तो दूसरी जगह आपको सबमिट नहीं करने हैं। और अब बात रहती है कि जो भी स्टूडेंट्स अब यानी कि अपना 16 सितंबर के बाद से अपने जो असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं, तो आप सभी इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही अपने असाइनमेंट सबमिट करें। और साथ ही आपके स्टडी सेंटर के आगे जो भी आपको यहाँ पर लिंक दे रखा है, चाहे वो गूगल आईडी का है, चाहे वो आपके जीमेल का है, चाहे यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको जो अपने असाइनमेंट्स हैं वो अपने हार्ड कॉपी में अपने स्टडी सेंटर जाकर ही, टाइमिंग बता रखी है मंडे टू फ्राइडे 10 से 4 बजे तक जाकर ही सबमिट करने। तो जिस तरीके भी सभी बोला गया है आपको उसी तरीके से अपने जो असाइनमेंट्स हैं वो सबमिट करने हैं। बाकी की कोई क्वेरी होती है तो इसके लिए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।